कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना है। वहीं आज कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है, वह क्या गारंटियों को पूरा करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ही प्रदेश में बेहतर विकल्प जनता के पास है, जो सभी गारंटियों को पूरा करेगी। यह बात आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस की जो सेटिंग चल रही है, पिछले कल कुल्लू में मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने प्रतिभा सिंह जी को बिल्कुल खुला एक निमंत्रण दे दिया है कि आपका भी स्वागत है, आप भी हमारे पार्टी में आए। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता एक एक करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से भाजपा हमेशा बोलती है कि कांग्रेस मुक्त हमें भारत को बनाना है, ये कांग्रेस मुक्त नहीं, ये कांग्रेस युक्त भाजपा बनती चली जा रही है। और जिस तरीके से भाजपा में ये गठजोड़ वाली राजनीति चल रही है, इसके पीछे एक ही कारण है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन दोनों बड़ी पार्टियों को डर हो गया है कि यदि गलती से भी आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनती है तो इनकी सेटिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 30 साल से इनकी सेटिंग चल रही है, वो सेटिंग किसी से छुपी नहीं, और इनको सिर्फ एक डर है आम आदमी पार्टी से। जिस तरीके से ये लोग गारंटियां दे रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके बताया था कि ओल्ड पेंशन की बहाली की गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी, अरविंद केजरीवाल जी ने दी, उसी हिसाब से अब जब 15 दिन चुनाव आचार संहिता को बचे हैं, तो ठाकुर जयराम जी को अब ओल्ड पेंशन स्कीम की याद आ रही है, अब कर्मचारियों की याद आ रही है कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है, ओपीएस मुमकिन है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, सत्ता को हथियाना है, इनको लोगों की समस्याओं से, लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने एक ही दिक्कत है, और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार ना बनाए, और वो हिमाचल प्रदेश में ना आए, सिर्फ ये रोकने के लिए काम किया जा रहा है। इसीलिए ये भाजपा और कांग्रेस की जो सेटिंग है, जो मिलके ये राजनीति करना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को लोगों का प्यार मिल रहा है, इससे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और जो आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जो गारंटी दी है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उसको बहाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।